वेलकम स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन एंड गुड। और आज की जो नेक्स्ट वीडियो है वो एक और इंग्लिश के टॉपिक पे है। इसमें मैं आपसे कुछ न्यू टर्मिनोलॉजी डिस्कस करूँगा कि यूज़ ऑफ फ्रेज एंड क्लॉज इंग्लिश ग्रामर लेटेस्ट टॉपिक। फ्रेज और क्लॉज का जो इंग्लिश में सेंटेंसेस में एक रिलेशन है उसको हम देखेंगे कि बेसिकली किसी भी सेंटेंस में फ्रेज और क्लॉज को कैसे डिफाइन किया जाता है। कि अगर हमने किसी भी सेंटेंस में हमें कहा जाए कि इसमें आप बताएं कि फ्रेज क्या है या फिर क्लॉज क्या है, तो हम उसको किस तरह इजीली आइडेंटिफाई कर सकेंगे। तो हम अपने वीडियो की तरफ प्रोसीड करते हैं ताकि आपको फ्रेज और क्लॉज का डिफरेंस पता चले और इंग्लिश में आप इस चीज़ के कंसेप्ट को समझ सके। तो इसमें पहली चीज़ जो मैं डिफाइन करूँगा वो ये है कि यूज़ ऑफ फ्रेज एंड क्लॉज। सबसे पहले हम फ्रेज को डिफाइन करेंगे कि फ्रेज क्या चीज़ होती है। अगर आप इसकी डेफिनेशन पर गौर करें तो लिखा हुआ है कि फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज नॉट इंक्लूड सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। यानी ये ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब इंक्लूड नहीं होता। मीन्स कि अगर आप इसको सिंप्लीफाई यानी सिंपल तरीके से समझना चाहें तो जो एक कम्प्लीट मीनिंग नहीं देता वो फ्रेज होता है। ठीक है, अभी हम आगे इसकी एग्जाम्पल्स देखेंगे ताकि आपको मज़ीद क्लियर आइडिया हो जाए कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन फ्रेज एंड क्लॉज। और क्लॉज क्या होता है, यानी अगर आप क्लॉज की डेफिनेशन देखें तो क्लॉज इज अ वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट इंक्लूड अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। यानी जिसमें वर्ब या सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट जो काम करने वाला होता है किसी भी सेंटेंस में तो वो बेसिकली उसको हम एक क्लॉज कहेंगे। ठीक है, तो ये थी फ्रेज और क्लॉज का डिफरेंस जो मैंने आपको थोड़ा डेफिनेशन के मुताबिक बताया। अगर हम इनकी एग्जांपल्स को देखेंगे तो फिर आपको मज़ीद क्लियर आइडिया हो जाएगा कि व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फ्रेज एंड क्लॉज। अब इसमें जो सेकंड चीज़ है वो मैं कुछ इस तरह बताना चाह रहा हूँ आपको कि फ्रेज एंड क्लॉज को हम मज़ीद डिफाइन करेंगे कि इनमें मज़ीद इन डेप्थ कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए फ्रेज और क्लॉज में। ठीक है, तो पहली चीज़ इसमें टाइप ऑफ क्लॉज को हम डिफाइन करेंगे कि क्लॉज की दो टाइप्स होते हैं, एक होती है इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक होता है डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, तो डिपेंडेंट क्लॉज जो होता है वो सेंटेंस में कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा होता, यानी वो डिपेंड कर रहा होता है फर्स्ट वाले स्टेटमेंट पे। और इंडिपेंडेंट क्लॉज वो होता है जो मतलब खुद एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा होता है। तो इसकी भी हम आगे फर्दर अभी एग्जांपल्स देखेंगे ताकि आपको क्लियर आइडिया हो जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड द डिपेंडेंट क्लॉज। यानी क्लॉज के आगे दो टाइप्स मजीद होती हैं। ठीक है, तो इसमें अब हम सबसे पहले यूज ऑफ फ्रेज एंड क्लॉज में देखेंगे कि बेसिकली इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या चीज़ होती है। ठीक है, अब इंडिपेंडेंट क्लॉज यहाँ पर अगर आप देखें तो जिसमें सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होता है। ठीक है, an independent clause is a group of words with a subject and a predicate and it express a complete thought and can stand alone as a sentence. मैंने आपको पहले भी बताया कि जैसे इंडिपेंडेंट को हम उर्दू में इसको समझना चाहें तो इंडिपेंडेंट का मतलब होता है जो किसी पे मुनसिर नहीं कर रहा होता, यानी इनसार नहीं होता किसी चीज़ पे, वो खुद अपना मीनिंग कंप्लीट देता है। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का एक वीडियो मैंने पहले भी बनाया था, उसमें आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या होता है किसी भी सेंटेंस में। तो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है वो आपके सामने एक कंप्लीट मीनिंग देता है और वो खुद एक स्टेटमेंट होता है जो उसका कंप्लीट मीनिंग देता है। उसके बाद है डिपेंडेंट क्लॉज। अब डिपेंडेंट क्लॉज वो होता है यानी जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब तो होता है। ठीक है, लेकिन उसका कंप्लीट थॉट नहीं आता और इट इज़ नॉट अ सेंटेंस और कांट स्टैंड अलोन। यानी वो आप समझें कि उसमें कंप्लीट थॉट नहीं मिलता जब तक कि फर्स्ट स्टेटमेंट उसमें इंक्लूड ना हो। अभी हम इनके आगे एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको मज़ीद क्लैरिटी हो जाएगी कि इसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज को कैसे जो है वो डिफाइन किया गया है। तो इसमें अब जो पहली चीज़ देखें, मैं कुछ टाइप्स को डिफाइन करने लगा हूँ कि फ्रेज को अगर हम मज़ीद डिफाइन करें तो इसमें कुछ इसकी टाइप्स हैं जो आपको फर्दर इंग्लिश में इनके एक्नॉलेजमेंट होनी चाहिए। ठीक है, इसमें फ्रेज में अगर आप देखें तो इसमें नाउन फ्रेज होता है, वर्ब फ्रेज, जेरंड फ्रेज, इन्फिनेटिव एंड पार्टिसिपल फ्रेज होता है। और अगर क्लॉज में अगर आप जाएं तो एडवर्बियल क्लॉज होते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज होते हैं और इसके अलावा आपके नाउन क्लॉज होते हैं।
तो इन पे इंशाल्लाह जो इनकी टाइप्स की वीडियोस, इनकी टाइप्स पे जो वीडियो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट में पब्लिश करूंगा, ताकि आपको इनके जो इन डेप्थ कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी क्लियर हो जाए। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट। इसमें एक प्रेपोजिशन फ्रेजर भी है जो इसमें इंक्लूड होता है। तो अभी हम इसमें चलते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज की तरफ, कि अगर आपको इंडिपेंडेंट क्लॉज फाइंड आउट करना पड़े तो वो क्या होता है। ठीक है, तो ये देखें जी, इसकी पहली स्टेटमेंट लिखी हुई है, आई एंजॉय सिटिंग बाय द फायर प्लेस एंड रीडिंग। अब आई एंजॉय सिटिंग, ये एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। तो जो येलो में जितना भी एरिया हाईलाइट है वो क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, उसके बाद सेकंड में अगर आप देखें, वेटिंग टू माई टू हैव माई कार ऑयल चेंज इज बोरिंग। अब माई कार ऑयल चेंज जो है ये क्या है, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। शी वॉन्ट्स टू ट्रैवल द वर्ल्ड एंड सी द वंडरफुल साइट्स। इसमें भी अगर आप देखें तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अवर प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। अब ये देखें कि अवर प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, अगर आप इस पूरे स्टेटमेंट को देखें तो ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो इसमें ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, इसमें जो हाईलाइटिंग जो किया गया है उसमें सिर्फ आपको समझाया गया है कि इसमें यहाँ आप इसको स्टार्ट करेंगे तो ये पूरा एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा। इसके बाद लिखा हुआ है कि जब दो इंडिपेंडेंट क्लॉज आपस में ज्वाइन होते हैं तो उसमें किस तरह वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ठीक है, अब जाके लिखा हुआ है, द बीच इज अ लॉट ऑफ फन बट द माउंटेन्स आर इवन बेटर। अब दोनों इंडिपेंडेंट हैं, दोनों अपना कंप्लीट मीनिंग दे रहे हैं। सेकंड आप देखें, ऑल ऑफ अस वेंट टू द मूवी एंड वी एग्रीड इट वाज एंजॉयबल। अब ये दोनों भी अगर आप स्टेटमेंट देखें तो ये भी अपना कंप्लीट मीनिंग दे रहे हैं। तो ये तो इंडिपेंडेंट क्लॉज की कुछ एग्जांपल्स हो गई जो मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट की। देखें यहाँ पर लिखा हुआ है, ही वेंट टू द पार्क एंड द राइड वॉज ब्रोकन। तो दोनों चीजें अपना इंडिपेंडेंट मीनिंग यहाँ पे दे रही हैं। उसके बाद नेक्स्ट चीज है इंडिपेंडेंट क्लॉज इन सेंटेंस विद सेमी कॉलन्स। यानी अगर आप इंडिपेंडेंट क्लॉज सेमी कॉलन से भी ज्वाइन करें, तो कुछ ऐसी होती है जो सेमी कॉलन से ज्वाइन होती है। सेमी कॉलन पंक्चुएशन में वहां पर इस्तेमाल किया जाता है जहां पर फर्स्ट स्टेटमेंट को मजीद ज़रा डिफाइन करना हो। जैसे अगर आप फर्स्ट सेंटेंस देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है, आई वेंट टू द डिपार्टमेंट ऑफ मोटर व्हीकल्स आई टुक द रिटन टेस्ट। यानी आपने उस चीज़ को मजीद डिफाइन किया कि मैं वहां पर गया और मैंने वहां पे टेस्ट दिया। ठीक है, उसके बाद मोनिका ब्रॉट द ड्रिंक्स फ्रैंक ब्रॉट द मेन डिश। यानी उसको मजीद डिफाइन किया गया कि उसमें फ्रैंक ने क्या चीज़ वहां से ली। तो ये सेमी कॉलन का जो साइन है पंक्चुएशन में, ये वहां पर इस्तेमाल होता है जहां पे मजीद फर्स्ट स्टेटमेंट को डिफाइन करना हो। दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट बुक, प्राइड एंड प्रेजुडिस इज अनदर फेवरेट। तो ये कुछ सेंटेंसेस थे सेमी कॉलन के साथ, यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज जो सेमी कॉलन के साथ एडजस्ट होता है। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज की अगर आप डेफिनेशन देखें तो उसमें यही चीज़ होती है कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट विद अ कंप्लीट मीनिंग। ठीक है, अब हम इसमें कुछ देखते हैं कि डिपेंडेंट क्लॉज बेसिकली क्या होते हैं और किस तरह वो डिफाइन होते हैं। ठीक है, अब ये देखें लिखा हुआ, ही फाइनली फिनिश हिज नॉवल आफ्टर द मंथ ऑफ रिसर्च। अब ही फाइनली फिनिश हिज नॉवल, दिस इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। लेकिन जो आगे आफ्टर द मंथ ऑफ रिसर्च आ रहा है वो इसका क्या बन रहा है, वो इसका डिपेंडेंट क्लॉज बन रहा है। ठीक है, द ट्रॉफी गोज टू हूएवर विंस द रेस। अब ये उस पर डिपेंड कर रहा है यानी फर्स्ट स्टेटमेंट पे, इसलिए हम इसको कहेंगे कि वो इंडिपेंडेंट, वो इसका डिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, अब अगर आप ये थर्ड स्टेटमेंट देखें तो इसमें लिखा हुआ है कि द कैट नॉक्ड ओवर द प्लांट व्हाइल आई वाज स्लीप। यानी व्हाइल आई वाज स्लीप को आप पहले अगर पढ़ें तो आपको ये चीज़ पता चलेगी कि जो सेकंड इसका स्टेटमेंट है वो कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। ठीक है, लेकिन जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो डिपेंड कर रहा है उसके ऊपर। ठीक है, इसलिए तो डिपेंडेंट क्लॉज क्या होगा, वो व्हाइल आई वाज स्लीप होगा। उसके बाद अगर आप फोर्थ स्टेटमेंट को देखें तो अ हीलियम न्यूक्लियस हैज टू प्रोटॉन्स वेयर हाइड्रोजन हैज ओनली वन। तो इसका जो सेकंड स्टेटमेंट है वो क्या है, वो डिपेंडेंट क्लॉज है फर्स्ट के ऊपर। जी, तो अब जो पहले हमने क्लॉज को डिफाइन किया कि क्लॉज में दो चीजें होती हैं, एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, ताकि आपको उसमें आइडिया हो जाए। तो एक क्लॉज पूरा, यानी अगर आप सीधा सिंपल एक क्लॉज को डिफाइन करना चाहें तो वो मैंने आपको पहले भी बताया कि जिसमें एक सब्जेक्ट और एक
वर्ब हो वो क्लॉज होता है, जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब ना हो वो फ्रेज होता है। यानी फ्रेज आपको कभी भी कंप्लीट मीनिंग नहीं देगा, ठीक है। अब देखें जी, यहाँ पे लिखा हुआ है कि द बीविल्डर टूरिस्ट वॉज लॉस्ट। तो द बीविल्डर टूरिस्ट जो है ये इसमें फ्रेज है, ठीक है, ये नाउन फ्रेज है बेसिकली। तो ये एक फ्रेज है जो हमें कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा। द सीनियल ओल्ड मैन, ये भी हमें कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा। वॉज कन्फ्यूज, द लॉस्ट पपी वॉज अ वेट एंड स्टिंकी डॉग। तो इसमें अगर आप देखें तो ये बेसिकली कुछ एग्जांपल्स हैं नाउन फ्रेज की, और कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो फिर आगे और कुछ टाइप्स की हैं। द लॉस्ट पपी, द फ्लू क्लिनिक हैड हैड सीन मैनी केसेस। तो इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको फ्रेज में कंप्लीट मीनिंग नहीं डिफाइन करती। तो जो चीज़ें कंप्लीट मीनिंग आपको नहीं डिफाइन करेंगी, ठीक है, तो उसमें आप उस चीज़ को क्या करेंगे डिफाइन, यानी जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता और ना ही उसमें वर्ब होता है। तो आप इसमें देख लें कि इसमें सब्जेक्ट तो है लेकिन वर्ब नहीं है, ठीक है, तो इसमें हम इसको क्या कहेंगे कि ये एक फ्रेज नहीं होगा, ये एक फ्रेज ही होगा क्योंकि ये भी कंप्लीट मीनिंग नहीं देता। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट वन है ही वॉज वेटिंग फॉर द रेन टू स्टॉप। इसमें आप ये देख लें कि आप इसमें जो नेक्स्ट वन आगे से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, वॉज वेटिंग फॉर द रेन टू स्टॉप, ये पूरा इसका क्या हो जाएगा, ये मतलब फ्रेज का अगर आप डिफाइन करें तो इसमें वेटिंग फॉर द रेन टू स्टॉप ये क्या है, फ्रेज है। अच्छा, इसमें अब थोड़ा डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज का रिलेशनशिप आप देख लें ताकि आपको मजीद आइडिया हो जाए कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का जो रिलेशन जो है वो हमने अभी तक नहीं देखा। अब देखिए, लिखा हुआ है ही फाइनली फिनिश हिज नावल आफ्टर द मंथ ऑफ रिसर्च। तो ही फाइनली फिनिश हिज नावल क्या हुआ, इंडिपेंडेंट क्लॉज हुआ, और आफ्टर द मंथ ऑफ रिसर्च क्या हुआ, डिपेंडेंट क्लॉज हुआ। यू प्ले आउटसाइड अंटिल द स्ट्रीट लाइट्स कम ऑन। तो यू मे प्ले आउटसाइड ये क्या हुआ, इंडिपेंडेंट क्लॉज, और अंटिल द स्ट्रीट लाइट्स कम ऑन दिस इज डिपेंडेंट क्लॉज। तो ये क्या हुआ, डिपेंडेंट क्लॉज हुआ, ठीक है। जी तो स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का जो टॉपिक था रिगार्डिंग फ्रेज एंड क्लॉज, इसमें मैंने आपको तमाम टाइप्स बताई फ्रेज की, फ्रेज की कुछ टाइप्स को हमने डिफाइन किया, इसके कॉन्सेप्ट्स को, और इसके बाद क्लॉज है तो क्लॉज के हमने डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को डिफाइन किया। आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी इंग्लिश ग्रामर के लिहाज से, और इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें ताकि और स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल हो। और इसमें और कोई क्वेश्चन तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में भी प्लेस कर सकते हैं। अगर आप इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज को भी देखें तो ये भी हमने इसमें पढ़ा था, और ताकि आपको इन चीज़ का भी कंसेप्ट वाजिया हो जाए। सो कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में प्लेस कर सकते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें फॉर मोर इम्पोर्टेंट इंग्लिश वीडियोज़। नेक्स्ट वीक तक के लिए अल्लाह हाफिज़।